हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सिलेक्शन वॉर के एपिसोड 3 में। मैं आपका महेश गुरु स्वागत करता हूं आपका। तो आज हमारा एपिसोड 3 है, जैसे कि आपने बैनर पे देखा ही होगा कि आज हम स्क्वायर और क्यूब पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्क्वायर और क्यूब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का यूज बहुत होता है। तो स्क्वायर और क्यूब को कितने जल्दी तरीके से कर सकते हैं और 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर विद इन 5 to 10 सेकंड आप निकाल सकते हो, बस वीडियो को एंड तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे कहीं ना कहीं दूसरों को भी मदद होगी कि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पर सभी का हक है और सभी तक इस वीडियो का रीच होना चाहिए। ठीक है, कल के लिए जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उसके आंसर आई होप आप लोगों ने निकाले होंगे और उनके जो आंसर्स हैं और करेक्ट आंसर कितने लोगों ने दिया वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने कमेंट में करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, तो कोशिश करा करिए ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क वाले क्वेश्चन को करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे कि कमेंट में मेरे पास कम से कम 8 से 10 लोगों के डेली आंसर कमेंट में आते हैं, तो कुछ लोगों के मैं यहाँ पर जो सबसे जल्दी लगाते हैं, सबसे जल्दी कमेंट करते हैं, उनके मैं आंसर यहाँ पर दे के रखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहले स्क्वायर की ट्रिक जो आपके सामने आएगी, ये रही। देखिए, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 100, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 1 से 100 तक के बीच में आते हैं। पहले हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर देखने वाले हैं जो आपके 1 से लेकर 100 तक के बीच में आएंगे। देखते हैं, देखिए, सबसे पहले अगर आपको नंबर दिख रहा है तो नंबर है आपका 34। ठीक है, तो देखते हैं 34 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए, 34 लिखा हुआ है तो 34 का स्क्वायर निकालना है, समझिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहला स्टेप ये है कि पीछे से एक डिजिट पहले आपको नंबर को सेपरेट करना है, पीछे से एक डिजिट पहले आपको नंबर को सेपरेट कर देना है। तो नंबर आपने सेपरेट करा, अब ये नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, कौन कौन सा, 3 और 4, 3 और 4 में डिवाइड हुआ। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 16। इसके बाद 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये आ गया 9, कितना आया, 916। अब नेक्स्ट स्टेप समझ के चलना क्या करना है, 3 × 4 आपका क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 4 में तो कितना आएगा, 12। 3 का 4 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12। और 12 का अब आपको करना है डबल, तो अगर 12 का डबल करते हैं कितना आएगा, 24। अब एक चीज ध्यान रखना, पहले आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा, 3 × 4 12 और 12 का डबल 24, डबल करके चलना है, 24 आ गया। अब यहां पर आपने शुरुआत में एक डिजिट को सेपरेट करा था, शुरुआत में एक डिजिट आपने सेपरेट करके चले थे, सेम यहां पर ऊपर करना है कि एक डिजिट को आपको सेपरेट करना है। यस, बिल्कुल, देखिए बहुत जल्दी आंसर आएगा, बस जुड़े रहिए और समझ के चलिए। एक डिजिट सेपरेट करा, ये एक डिजिट सेपरेट हो गया, खत्म कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया था, 4 × 3 = 12, 12 का डबल 24, यहां आपने 24 लिख दिया और आंसर आपको मिला 6511। दैट मींस स्क्वायर ऑफ 34 इज 1156। समझ में आया कि स्क्वायर 34 का कितना आएगा, 1156। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हम और एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझेंगे, तब तक समझेंगे जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए और विद इन 5 सेकंड जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर दो तब तक हम ये क्वेश्चंस करते रहेंगे। देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है, जो अगला नंबर है वो बहुत ही अच्छा नंबर है और जल्दी से हम देखते हैं कि किस तरीके से 47 का स्क्वायर जल्दी हम निकाल सकते हैं। देखिए समझते हैं कि 47 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखिए ये दिया हुआ है 47, क्या करना था, सबसे पहला स्टेप एक डिजिट पीछे से सेपरेट करनी है, कर दिया, एक डिजिट सेपरेट हो गया, बिल्कुल जुड़े रहिएगा समझिएगा। 7, तो 7 का अगर स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा बताइए। यस दोस्तों, 7 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 7 का स्क्वायर करके आपको मिलेगा कितना, 49। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। उसके बाद आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो है 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, तो ये आ गया 1649, इतना आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है 4 का 7 से मल्टीप्लाई, तो अगर 4 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 28, 7 × 4 = 28 और 28 का डबल 56, तो यहां पर भी एक डिजिट छोड़ेंगे, क्यों,
क्योंकि शुरुआत में आपने एक डिजिट को सेपरेट किया था, तो एक डिजिट आपने छोड़ दिया। 7 4 28 28 का डबल 56, यहां 56 आप लिख दोगे तो ये आया 9, ये आया 10, ये आया 2 और ये आया कैरी 1, तो 2209। तो स्क्वायर ऑफ 47 इज 2209। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये वाला एग्जांपल तो क्लियर हो चुका होगा। एक बार और समझिए, 47 था तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 सेपरेट। इसके बाद 7 × 4 28 28 का डबल 56, 56 लिख दिया। कहां लिखेंगे? एक बार दिमाग में फिर से लाइए, 56 कहां लिखना है? 56 वहां लिखना है जहां से आपने एक डिजिट छोड़ी थी। अगर शुरुआत में आपने एक डिजिट छोड़ी है तो जब आप ये बनाओगे पैटर्न तब भी लास्ट में एक डिजिट आप सेपरेट करके चलोगे। तो एक डिजिट आपने सेपरेट कर दिया तो 56 और ऐड करके मिला 2209, देन योर आंसर विल बी 2209। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। देखिए, नहीं समझ आया, दोबारा एक और एग्जांपल। बिल्कुल, देखिए, जब तक आप 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक बार प्रैक्टिस हो गई तो विश्वास मानिए विद इन 5 to 10 सेकंड आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे। ये तो सिर्फ 1 से 100 है, मैं आपको 1000 तक के स्क्वायर 10 सेकंड में निकलवा दूंगा। बिल्कुल, देखिए क्या दिया हुआ है अगला, 59। अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, बिल्कुल हमारे लिए इजी है। क्यों? क्योंकि हमको आता ही कैसे निकालना है। क्या करना है? 9 को सेपरेट करना है। बिल्कुल, 9 को सेपरेट करा तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं? यस, देखिए समझ में आता जाए, एक बार लिखते जाइए। यस सर, समझ में आ गया, मजा आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो 5 × 9 45 को अगर हम डबल करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9 × 5 45 और 45 को डबल करेंगे तो 90। एक डिजिट यहां छोड़ा था, एक डिजिट यहां भी छोड़ देंगे तो आएगा कितना? 90। क्लियर? तो ये 90 लिखते हैं, देखिए ये 90 लिखा। क्लियर? ऐड कर दीजिए, 1 एज इट इज, 8 एज इट इज, 8 और 0 8, 9 और 5 14, कैरी 1, 2 और 1 3, दैट मींस 3 4 8 1, स्क्वायर ऑफ 59। तो 59 का स्क्वायर आपको कितना मिला? 3 4 8 1। कितना टाइम लगा? मैक्स टू मैक्स 5 से 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैक्सिमम कहां पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अब आपके दिमाग में आएगा सर स्क्वायर की और क्यूब की एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, आपका मेंसुरेशन आप पढ़ते हो तो मेंसुरेशन में फॉर्मूले होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 πr³, 4πr² 2/3 πr³। वहां पर जो रेडियस होती है इसी तरीके के नंबर मिलते हैं, तो रेडियस का तुरंत स्क्वायर क्यूब निकालने के लिए ये मेथड बहुत इंप्लीमेंट अपने बहुत ज्यादा यूज होगा। तो कोशिश करिए कि इसको हैंडी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी स्क्वायर और क्यूब निकालना आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगला वाला नंबर देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्या है आपका? 64। अगला नंबर आपको क्या दिया हुआ है? 64। जल्दी से निकालेंगे, 64 है तो 4 को सेपरेट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 24 का डबल 48, एक नंबर सेपरेट तो 48 आपने यहां लिख दिया, 6 9 10 4, मतलब 4096 स्क्वायर ऑफ 64। तो स्क्वायर ऑफ 64 कितना आया आपका? 4096। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड में निकाला। अगला वाला देखिए, 94 कैसे निकालना है देखते हैं। 4 का स्क्वायर एक डिजिट सेपरेट, 4 का स्क्वायर 16, ये लिख लिया आपने 16, 9 का स्क्वायर 81, ये लिख लिया 81, 9 × 4 36 और 36 का डबल 72। तो एक डिजिट सेपरेट कर दिया, 72 लिख दिया, ऐड करेंगे 6 3 8 8, तो 8 8 3 6 स्क्वायर ऑफ 94। तो 94 का स्क्वायर आपको कितना मिला? 8 8 3 6। समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर के स्क्वायर निकाले जा सकते हैं। अब एक चीज समझना, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करेंगे, नंबर को सेपरेट करेंगे और एक डिजिट जो आपने करा हुआ है उसको छोड़ के चलना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक नंबर और लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन लेते हैं कि वो एक्सेप्शनल केस क्या होगा। ठीक है, 69 आपको नंबर दिया हुआ है, 69 का स्क्वायर
तो एक डिजिट सेपरेट करा, तो एक डिजिट सेपरेट करने के बाद 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा कितना, 81, ये लिख दिया। क्लियर? 6 का स्क्वायर मिलेगा 36, ये लिख दिया 36। अब 6 9 54, 6 9 54, और 54 का अगर डबल करेंगे तो आएगा 108। तो 54 का अगर डबल करा 108 आया। यहां पे एक डिजिट सेपरेट थी, एक डिजिट यहां भी सेपरेट कर दिया गया है, और 6 9 54 का डबल करने पे 108 मिला था। लिख देते हैं 108, ये आ गया 1 8 और 8 16, कैरी 1 7 और ये 4, दैट मीन्स 4 7 6 1 स्क्वायर ऑफ 69। तो 69 का स्क्वायर आपको कितना मिला, जल्दी से लिख दीजिए। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार लिखिएगा कमेंट में, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 69 का जो स्क्वायर चल रहा है आपका, वो 69 का स्क्वायर कितना आया, 4761। क्लियर? देखिए कितना, 5 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हो, मेरा विश्वास मानिए। समझ में आ रहा है? और ये जो मैं टॉपिक्स लेके चल रहा हूं, ये सारे एग्जाम को कवर करेंगे, छोटे से बड़े एग्जाम तक। अभी हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट करके सीधे हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे, कि बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आप विद इन 5 to 10 सेकंड क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हो। कैलकुलेशन की जितनी ट्रिक्स दुनिया में होती हैं, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, और कहीं भी इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक ही सीरीज को देख के पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज है, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, सारे एग्जाम को फोकस करके हमने डिजाइन करी है, ठीक है ना? ओके, सो बढ़ते हैं। आपका ये जो 4 स्क्वायर नीचे लिखे हुए हैं, 71 83 92 और 61, इसका एक एक्सेप्शन है। अब इसका एक्सेप्शन समझते हैं कि इसमें क्या एक्सेप्शनल है, कि किस वजह से इनको अलग से लिखा गया है, ठीक है? तो देखिए, पहला नंबर जो थर्ड लाइन में पहला वाला दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है 71, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है 71। कुछ नहीं करना, पहले की तरह ही करना है, चेंज क्या आएगा वो मैं बताता हूं। आपने सेपरेट करा तो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, लेकिन स्क्वायर तो 1 का 1 होता है, लेकिन लिखोगे आप 01। जैसे 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आप लिखोगे क्या, 04। 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट आप लिखोगे क्या, 09। और आफ्टर 3 ऑनवर्ड्स, जो 3 ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर है वो हमेशा 2 डिजिट में चलते हैं, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 01, ये हो गया। 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49 लिख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। 7 का 1 में मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, 7, और 7 का डबल 14। एक डिजिट सेपरेट थी तो एक डिजिट यहां सेपरेट करा, और 14 आपको यहां लिख देना, ये लिख दिया। तो 1 4 10 5, दैट मींस स्क्वायर ऑफ 71 इज 5041। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ चुका है? यस, देखिए बहुत जल्दी हम लोग निकालने वाले हैं, और इससे जल्दी आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अभी तो ये 100 तक के, अभी तो आपको असली जादू देखना बाकी है, असली जादू अभी देखना बाकी है, जिसमें 1 से लेकर 1000 तक का कोई भी नंबर, 985, 987, 989, कुछ भी जो आप बोलोगे वो सारे नंबर आप देख सकते हो। बस फोकस करके वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता है बट उस तक वो चीज़ें, वो मैटर नहीं पहुंच पाता है, तो उस तक पहुंचे, ठीक है ना? ओके, सो देखिए अगला वाला नंबर है 83 का देखते हैं, 83 कैसे आएगा, समझते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे और समझ में आएगा आपके तुरंत, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ चुका है। तो देखिए 83 है, 3 को सेपरेट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लिखेंगे क्या, 09। 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया 64। अगेन 8 × 3 क्या होता है आपका, तो 8 × 3 होता है 24, और 24 का आपको करना है डबल, और डबल करके लिखना कहां पर है, एक डिजिट सेपरेट करके 24 आप यहां लिखोगे तो आपको मिलेगा 9466, मतलब
6649 स्क्वायर ऑफ 83। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। देखिए यहां पर 83 था 24, 24 का डबल 48, तो 48 था, तो 48 के लिए ये 8 और ये 8, तो कितना आ जाएगा 6889। दैट मींस स्क्वायर ऑफ 83 इज 6889। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 09। उसके बाद 83 इज 24, 24 का डबल 28, 24 का डबल 48, 48 आपने यहां लिखा तो 6889 स्क्वायर ऑफ 83। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो जल्दी से 92 का स्क्वायर आप निकालेंगे विद इन 5 सेकंड। ठीक है, तो 92 देखते हैं। देखिए 92 कैसे निकालना है जल्दी से। तो 92 है, 92 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 04 और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर, 9 का स्क्वायर आपका 81, समझना। 9 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू द 18 और फिर करेंगे डबल, तो 18 का डबल करेंगे तो 36, बट लास्ट डिजिट सेपरेट करना है जो कि हम हर बार करके चल रहे हैं। तो 9 टू द 18 का डबल 36, ये आपने 36 लिखा और जल्दी से ऐड कर दिया कि 4 6 4 और 8, तो 8 4 6 4 स्क्वायर ऑफ 92। क्लियर, इससे जल्दी स्क्वायर कभी नहीं आएगा, मैं बेट लगाने को तैयार हूं कि इससे जल्दी अगर स्क्वायर आ जाए तो। और समझ में आया, जब भी आपको लास्ट में 1 2 3 दिखेगा, जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 1 2 3 दिखेगा, क्या करना है, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09 और आफ्टर 3 मतलब 3 ऑनवर्ड जो भी नंबर है वो हमेशा 2 डिजिट में आते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बाकी सारे नंबर 2 डिजिट में है, बस 1 2 3 की सीरीज आपको याद करके रखनी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें 1000 तक स्क्वायर निकालेंगे। बट उससे पहले ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और इनका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। जो भी लोग वीडियो देखेंगे उनको इस क्वेश्चंस का आंसर दिखना है और लिखकर पूरा कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे अगले वीडियो में मैं जितने भी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया उनका मैं नाम दिखाऊंगा। ठीक है ना, ओके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से करना, ठंडे दिमाग से। समझ में आ चुका है आपको कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो। क्लियर, तो अब बढ़ते हैं 1000 तक का। जैसे मैंने आपसे वादा करा था कि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो वादा पूरा करता हूं। तो बढ़ते हैं, देखिए ये नंबर लिखे हुए हैं और इनका आपको स्क्वायर निकाल के चलना है। तो देखते हैं इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से देखना। और एक बार समझ आ गया ना तो 1000 नहीं 5000 तक आप नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो, ये मेरा वादा है आपसे। बस एक बार अच्छे से दिमाग को ठंडा करके क्वेश्चन समझ लेना। सबसे पहला नंबर आपको लिखा हुआ है 221। ठीक है, सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है 221, ये लिखा है। क्लियर, करना क्या है वो समझना। हमेशा आप क्या करोगे, जब भी आपको इस तरीके के नंबर मिलेंगे, दिखते हैं, तो आपको करना क्या है कि इन नंबरों को कन्वर्ट करना है जीरोस के फॉर्म में। जैसे अगर मेरे को 125 दिखा तो मैं 100 में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, अगर मेरे को 134 दिखा तो मैं 100 में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे मेरे को 178 दिखा तो मैं 200 में कन्वर्ट कर लेता हूं। नियरेस्ट उनके जो 100th टर्म आएगी उसमें कन्वर्ट करके चलना है। जैसे 221 है तो 221 को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, अगर 221 को आपको कन्वर्ट करके चलना है तो 221 को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, 220 या फिर 200 में। अगर 200 में करोगे तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाइज बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए करना क्या है वो समझते हैं। अगर मेरे को 221 को, अगर 221 को समझना, अगर 221 को 200 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 21 माइनस करना पड़ेगा, यही होगा। अगर 221 को 200 में कन्वर्ट करना है तो आप बोलोगे सर 200 में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 21 कर दीजिए, कर दिया।
और अगर माइनस 21 करोगे तो प्लस का 21 भी करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना है। आप 100 में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एफर्ट लोगे उसका रिवर्स एफर्ट आपको लिखना है। जैसे 221 था तो 200 में कन्वर्ट करने के लिए आपने 21 माइनस करा, तो अगर 21 माइनस करा है तो 21 ही आपको ऐड करना है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। देखिए 21 और 21 है तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 441। 21 का स्क्वायर आपको पता है? 441। तो इसको अलग लिख लो, बिल्कुल इसको आपने सेपरेट कर कर लिख लिया। अब 221 में से 221 में से 21 माइनस करते हैं, ठीक है, 221 में से 21 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 200, यही आएगा। 221 में से अगर 21 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 200। क्लियर? और 221 में 21 ही ऐड कर देते हैं, अगर 221 में 21 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? 242। क्लियर? कितना आएगा? 242। अब इसको देख के चलना, समझ में आया? एक बार और समझते हैं। 221 था तो 221 को आपने 200 बनाने के लिए क्या करा? 21 माइनस, अगर 21 माइनस होगा तो 21 ही प्लस करना है। 21 का स्क्वायर आया 441। अब जो आपने करा था वही लिखना है। 221 में से 21 माइनस करा 200, और 221 में 21 प्लस करा तो 242। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनना, जितने नंबर ऑफ जीरोज लगे हुए हैं, समझना, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतनी डिजिट आपको लेके चलनी है। ये है नंबर ऑफ जीरो, ये है नंबर ऑफ जीरो, यही है। तो आपको सिर्फ 41 लेके चलना है पहले। जितने नंबर ऑफ जीरोज आपके हैं उतने ही आपको लास्ट डिजिट लेके चलनी है पहले। तो आपको कितना था? दो जीरोज थे तो 41 लेके चलना था, ठीक है? तो आपने ये 41 लिख लिया, 41 तो आना ही आना है। अब आगे ये आपके खत्म हो चुके हैं, इनका आप खत्म खेल, इनका कोई काम नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई आप 242 में करोगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई 242 में करते हो तो कितना आएगा? 484 आएगा। और 484 में जो बचा हुआ नंबर था वो आपको ऐड करना है, तो 488, ठीक है? और यहां पे लिख दो 488, मतलब स्क्वायर ऑफ 221 इज 48841। क्लियर? स्क्वायर ऑफ 221 इज 48841। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना? एक बार और समझते हैं कि किस तरीके से कराए। तो 221 था तो 221 के लिए आपको 21 को माइनस करना है। अगर आपको 200 बनाना है, हमेशा जीरोस वाले नंबर ही आपको बना के चलने हैं, तो 221 से अगर 21 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 21 माइनस, और 21 ही माइनस करेंगे, 21 ही प्लस, तो आपको 21 का स्क्वायर पहले मिला 441। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कितना मिला? 441। अलग लिख दो, इससे बात ही नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल अलग लिख दिया हमने। क्लियर? अब एक बार इसको माइनस करा तो 200, एक बार 221 में 21 प्लस करा तो कितना आया? 242। जितने जीरोज है, हर बार यही करेंगे, जितने जीरोज होंगे उतना ही आपको पीछे से दो डिजिट को सेपरेट करके चलना है, उतना ही आपको दो डिजिट को सेपरेट करके चलना है, ठीक है ना? तो ये आपने 41 को सेपरेट करके चुपचाप लिख दिया यहां पर। अब बचा हुआ था बच्चे छोटा सा एक, ये बेचारा आपने इसको अकेले छोड़ दिया, 4 को आपने अकेले छोड़ रखा है, तो वो अकेले बेचारा क्या करेगा? किसी के साथ तो उसको रखो, तो रखेंगे ना किसी के साथ, बिल्कुल अकेले किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई आपने 242 में करा तो 484 मिला, और जो बेचारा एक नंबर अकेला बेचारा झूल रहा था उसको आपने 4 ऐड करके 488 बनाया, और उठा के इन दोनों का एक पेयरिंग बना दिया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, इन दोनों को एक साथ रख दिया, तो आया 48841। चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लो, लेकिन जितना टाइम कैलकुलेटर लेगा उससे जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे कि क्वेश्चन कैसा भी हो लेकिन उसके लिए कम से कम टाइम में सॉल्व करके हम आपको आपके सामने रखेंगे। तो कैलकुलेटर से चेक करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट निकालना जरूरी है। आई होप आपको क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है, उसको भी जल्दी से चेक करते हैं कि वो कितनी जल्दी हम लोग निकाल के रख सकते हैं। देखिए 1000 तक स्क्वायर निकालना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको 1000 तक स्क्वायर निकालना आ गया ना, विश्वास मानिए कि
स्क्वायर के साथ आपका सिंप्लीफिकेशन, जब भी स्क्वायरिंग वाले और क्यूबिक वाले सिंप्लीफिकेशन होंगे तो आप उनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे, अगर 1000 तक स्क्वायर की ट्रिक आपकी समझ में आ गई तो। क्लियर? तो देखिए अगला वाला लिखा हुआ है 776, ये भी निकालते हैं जल्दी से। ये लिखा है तो क्या बना ले 776 को, 776 को आप 800 बना लो। तो 800 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 24 प्लस और 24 ही माइनस। 776 को अगर जीरोस के फॉर्म में लेके जाना, क्या करेंगे, 24 प्लस और 24 माइनस, बिल्कुल यही करना है। तो देखिए 24 का जो स्क्वायर है वो आपको पता है पहले से कि 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर? 24 का स्क्वायर 576, और 776 में अगर 24 ऐड करेंगे पहला स्टेप तो आपको क्या मिलने वाला है, अगर 776 में 24 ऐड करेंगे तो मिलेगा 800, और 776 में अगर ये माइनस कर देते हैं 24 तो क्या मिलेगा, 257। क्या मिला, 752। ये मिलेगा 776 में से अगर 24 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 752, यही मिलने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिएगा कितने जीरोस दिख रहे हैं यहां पर, 1 2, तो दो नंबर्स को आप सेपरेट कर दोगे, दो जीरोस दिख रहे थे तो दो नंबर सेपरेट करके ऊपर लिख दो बिल्कुल अच्छे से 76। अब फिर आप बोलोगे सर ये बेचारा फिर अकेला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अकेला होने दो, हम उसके लिए पेयरिंग ढूंढ देते हैं। बिल्कुल देखिए उसके लिए पेयरिंग उसके साथ है कि 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, 8 2 16, 1 बचा, 8 5 40 और 1 41, 8 7 56 और ये 60, तो 6 0 16 प्लस 5, ये 5 यहां पे ऐड हो जाएगा बचा, तो ये आपको मिल जाएगा 6 0 2 1। कितना मिला, 6 0 2 1, इसको उठा के लिख दो यहां पर, तो 6 0 2 1 7 6 स्क्वायर ऑफ 776। कितना टाइम लगा, यस कितना टाइम लगा करने में, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल पाओगे, ये समझाने की वजह से इतना टाइम लग रहा है, जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं विद इन 10 to 15 सेकंड आप जल्दी से क्वेश्चन के आंसर निकालते जाओगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, और क्वेश्चन हमारे पास है, और नंबर लिखे हुए हैं, इनको समझ लेंगे, समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आप समझिए, और जब समझ में आ जाए तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए, सिर्फ तभी, जब तक समझ में नहीं आए तब तक नहीं, और समझ में आए हो मजा आए तो शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। बिल्कुल देखिए अगला वाला नंबर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 525, बहुत अच्छा नंबर है, 5 वाला नंबर है हमेशा ही अच्छा होता है, 525, तो इसको क्या बना लें, 525 को 500 बना लेते हैं, तो इसको 500 बनाने के लिए 25 माइनस कर देते हैं और 25 ही प्लस कर देंगे, ये तो आपको समझ में आ गया है कि 500 बनाएंगे, नियरेस्ट इज 100 वाला नंबर बना लो, ठीक है ना। तो देखिए 25 प्लस 25 माइनस, ये हो गया। अब 25 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 625, यही होता है, अलग लिख दो बिल्कुल अलग। अब 525 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 500, ये मिल गया, और 525 में 25 ऐड करते हैं तो ये मिलेगा 550, कितना मिलेगा, 550। क्लियर? अब एक चीज समझना कि दो जीरो है तो दो नंबर सेपरेट कर देंगे और 25 को उठाकर सीधे आप लिख दोगे यहां पर कि 25 तो भैया हमारे साथ चलेगा। अब अगला स्टेप दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई, ये 0, 5 5 25, और ये 25 और 2 27, 2750 प्लस 6 मतलब 2756, ये आया, और 2756 आप ऐड कर दोगे तो 275625 विल बी द करेक्ट आंसर इफ यू स्क्वायर द 525। अगर आप 525 का स्क्वायर निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा, 525 का स्क्वायर आ जाएगा 275625। देखिए इससे जल्दी नहीं आएगा और आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरी विश्वास मानिए कि आप सोच नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दी ये इतने बड़े बड़े नंबर 776,
525, ये ऐसे नंबर है, मतलब इमेजिन करते हैं कि इनका स्क्वायर निकालना पड़े तो हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। जब हमको ये नंबर दिखते हैं एग्जाम में कि इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो हम छोड़ के आ जाते हैं, बट यहां पर हम लोग लिटरली सॉल्व करके और विद इन सेकेंड क्वेश्चन के आंसर निकाल रहे हैं। मतलब एक देखा जाए तो ये मैथ्स को मैजिक बना दिया है, ये मैथ्स यही चीज है, मैथ्स की यही खासियत है कि जिसको समझ में आ जाती है वो मैथ्स को कहीं ना कहीं इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकता है कि बड़े से बड़े नंबरों को वो खेलना चालू कर देता है। तो आपको भी मैथ्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, मैजिकल तरीके से यूज करना है। क्लियर हुआ? तो देखिए अगला नंबर और देखते हैं, 586। देखिए 586 का स्क्वायर निकालना है तो 586 देखते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए 586 तो क्या बना ले 586 को, तो आप बोलोगे सर 586 को क्या बनाना चाहिए, नियरेस्ट क्या है इसके, 586 के नियरेस्ट क्या आ रहा है, 600, तो बनाते हैं 600, 14 ऐड कर देते हैं और 14 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 196, यही होता है 14 का स्क्वायर 196। अब 586 में एक बार 14 ऐड कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 600, और 586 में से अगर 14 माइनस कर देंगे तो मिलेगा 572, यही मिलेगा 6 - 4 = 2, 8 - 1 = 7, और 5 एज इट इज, 20 कैंसिल करें और यहां से 9 को सेपरेट कर लिया 9 और 6 को, तो ये आया 9 और 6। क्लियर, ये आ गया। अब एक चीज समझना, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 6 × 2 = 12, कैरी 1, 6 × 7 = 42 और 1 = 43, 4 × 6 = 30, 34 एंड प्लस 1 तो कितना आया 3433, और ये जो 3433 मिला इसको उठा के इसके संग पेयरिंग में डाल दो तो आपका जो स्क्वायर आया, मतलब 586 का आपने स्क्वायर निकाल दिया है 15 सेकंड में, और वो स्क्वायर आपके सामने कितना लिखा हुआ है 343396। तो स्क्वायर ऑफ 586 इज 343396। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? यस, समझ में आ रहा है ना कितनी जल्दी आप लोग नंबर्स को निकाल सकते हो, ये सब डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। ठीक है ना, देखिए 6 × 2 = 12, 1 × 6 = 42, 3 × 6 = 30, 34, 3432 आया और प्लस 1 तो 3433, और इसको यहां पे अटैच कर दिया तो 343396 विल बी द स्क्वायर ऑफ आपका जो नंबर लिखा था 586। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ चुका है? बिल्कुल, एक बार बता दीजिए यस सर क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है। ओके, देखिए करके देखना है आपको नंबर, जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए हैंडी हो जाएंगी ये सब चीजें। क्लियर, तो देखिए अब एक नंबर और करते हैं और उस नंबर को हम निकालते हैं जल्दी से, जिससे हम लोग देखते हैं कि टाइम एक्चुअल में कितना लग सकता है, कितना टाइम एक्चुअल में लग सकता है वो और चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए नंबर लिखा हुआ है 678, तो 678 के नियरेस्ट आएगा 22 ऐड कर लेते हैं जिससे 700 बन जाएगा और 22 ही माइनस कर देते हैं, और 22 अगर 22 की बात कर रहे हैं तो 22 का आपका जो स्क्वायर है वो क्या होता है 484, यही होता है 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, अलग सेपरेट बिल्कुल अलग, कोई जरूरत नहीं है इनको देखने की भी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 700 मल्टीप्लाई बाय, इनको माइनस करेंगे 656, यही आएगा 8 - 2 = 6, 7 - 2 = 5 और ये 6, 20 कैंसिल आउट करें और दो नंबर को सेपरेट कर दिया और यहां पर आपने उठा के लिख दिया कि आपका 84 आ चुका है, अलग कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब दोनों का मल्टीप्लाई 7 × 6 = 42 = 2 carry 4 × 7 = 35 = 4 = 39 9 3 × 7 = 42 = 45 और 4 × 5 = + 4 तो ये आया 4596, दैट मींस 4596 आपको यहां से मिला, उसको उठा के आपको रख देना है यहां पे 4596। अब ये नंबर आपको मिला स्क्वायर, और ये स्क्वायर किसका मिला है आप बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि ये आपको स्क्वायर मिला 678 का, और वो भी इतनी जल्दी। तो 678 का जो आपका स्क्वायर है वो आएगा कितना
तो स्क्वायर ऑफ 678 इज 459684। चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके एक बार चेक जरूर करो कि यस, चेक तो कर लें क्या यही आंसर हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। 887 आपको करना है होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, और ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे 289 पहला, मैं एक हिंट दे देता हूं आपको, तो पहला वाला नंबर है 289, तो 289 को अगर हम देखें तो 289 300, तो इसको आप 300 बनाओगे। सेकंड वाला आपको क्या दिया हुआ है देखिए, सेकंड वाला आपको दिया हुआ है 262 300, 834 800, 191 200, 742 700, 493 500, 557 600 और 876 900। इनको आपको इस तरीके से जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, क्लियर हो चुका है। तो अब आपके पास स्क्वायर कहां तक निकालने की ट्रिक मिल चुकी है। अब आप स्क्वायर निकाल सकते हो कहां तक, बताओ बच्चे कहां तक आप स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अब आप 1000 तक स्क्वायर अपनी पॉकेट में रख के घूमोगे कि 1000 तक स्क्वायर में कभी भी जब बोलोगे तब निकाल के आपके हाथ में दे सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके क्यूब्स की तरफ। तो सबसे पहले क्यूब देखते हैं, और क्यूब की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यूब आपको 100 तक बहुत है। क्यों? उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि क्यूब हमको सिर्फ 100 तक क्यों करने है? क्या रीजन हो सकता है कि 100 तक ही हम क्यूब क्यों करें? क्यूब भी तो हम 1000 तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करने भी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो कि 25 का ही क्यूब 15625 दे देता है, मतलब जहां पर आपको जब 625 और 685 और 687 का स्क्वायर करने पे 6 डिजिट मिल रही है, और जब 25 का 2 डिजिट का नंबर ही क्यूब करने पे आपको 5 डिजिट दे रहा है, तो इससे ज्यादा क्यूब की जरूरत नहीं है। तो 100 तक क्यूब मोर देन इनफ है, सफिशियंट है, इससे ज्यादा क्यूब की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्यूब को हमने करा क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्यूब के लिए हमने क्या करा है, 1 से 100, और कैटेगराइजेशन कर रखा है कि सबसे पहली कैटेगरी लिखी हुई है ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर आपके कौन से हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब। तो देखते हैं पहले 13 का, ठीक है, करना क्या है सबसे पहले समझना, 1 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक है, क्या करा आपने, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर यहां तक? बिल्कुल। इसके बाद समझना क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट जो नंबर्स लिखे हैं उनको एज इट इज रहने देना है, और जो बीच वाले नंबर है उनको करना है आपको डबल। फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है वो एज इट इज रहेंगे और बीच वाले नंबर हो जाएंगे डबल। तो बीच वाले नंबर डबल कर देते हैं, देखिए 3 टू द 6 और 9 टू द 18, ये कर दिया डबल। अब करोगे आप ऐड, और ऐड करते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि एक बार में एक डिजिट नीचे आएगी और रिमेनिंग डिजिट आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। एक बार में एक डिजिट नीचे और रिमेनिंग डिजिट कैरी फॉरवर्ड, कैसे? पहले 7 आएगा नीचे, ये आ गया, और 2 आपका जो था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 2 कैरी फॉरवर्ड होके यहां पहुंच गया। ठीक है ना, तो 2 कैरी फॉरवर्ड होके यहां पहुंचा, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 29 का 9 कैरी 2, 6 और 3 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, तो 2197 स्क्वायर क्यूब ऑफ 13, तो 13 का क्यूब आपको कितना मिला 2197। क्या करा एक बार और समझते हैं, तो 13 लिखा हुआ था, 13 के लिए आपने क्या करा कि 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, तो 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। ऐड करने के, ये करने के बाद फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना, और जो बीच वाले नंबर है उनको आपको करना है डबल। तो 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, जब आप ऐड करोगे तो 7 एज इट इज, 2 कैरी फॉरवर्ड, 18 और 9 27 और 2 29 कैरी 2, तो 6 और 3 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 2197 क्यूब ऑफ 13। सेम
14 का निकाल सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि 14 का क्यूब किस तरीके से आएगा। देखिए 14 निकालते हैं, 14 तो 14 को क्या लिखेंगे, 1 एज इट इज, 4 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से करना क्या है, ये और ये एज इट इज रहेंगे, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रहेंगे और बीच वाले नंबर डबल, इनको डबल कर देते हैं 8 और इसको डबल कर देते हैं 32। अब करेंगे ऐड, और ऐड करते टाइम एक ही चीज ध्यान रखना है कि एक बार में एक डिजिट नीचे, रिमेनिंग डिजिट कैरी फॉरवर्ड। इसको नीचे लाएंगे तो इसको अगर नीचे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा कितना, अगर इसको नीचे लेके आओगे आप तो ये आएगा कितना 4, 6 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर हो गया। तो 32 और 16 48, 48 और 6 54 का 4 कैरी 5, 8 और 4 12 और 5 17 का 7 कैरी 1 और 1 और 1 2, तो क्यूब ऑफ 14 इज 2744। तो 14 का क्यूब जो आपको मिला है वो आपको मिला 2744, क्यूब ऑफ 14 इज 2744। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। देखिए समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और समझ में आए तभी करिएगा, बिल्कुल लाइक जरूर करके जाइएगा, और इससे ज्यादा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। सारी ट्रिक्स जितनी बन सकती हैं सारी ट्रिक्स मैं आपको यहां पे शेयर करके चलूंगा, क्लियर। तो देखिए ये हो गया, एक बार जल्दी से 15 का और निकाल के देखिए कि 15 का क्यूब भी इससे आ सकता है क्या। तो देखिए चेक करते हैं एक बार जल्दी से कि 15 का क्यूब हम निकाल सकते हैं क्या। देखिए 15 तो क्या लिख सकते हैं, 1 5 25 और 125, ये लिख सकते हैं 1 5 25 और 125। क्यों, 105 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। अब बीच वाले नंबर को डबल, मतलब 10, इसका डबल 50, क्लियर। तो इसको आप करोगे आप ऐड, तो 5 आपका एज इट इज हुआ और 12 आपका कैरी फॉरवर्ड। तो 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 का 7 कैरी 8, ये भी कैरी था। 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 का 3 कैरी 2 और 2 और 1 3। तो क्यूब ऑफ 15 इज 3375। तो समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो क्यूब ऑफ 15 कितना आया, 15 का क्यूब आपको मिला 3375 आपका क्यूब आ जाएगा, किसका, 15 का। तो 15 का क्यूब आपको कितना मिला, आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि 15 का क्यूब कितना है 3375, क्लियर हो गया, यस yes। तो अब आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या कैटेगरी बोल रहा है। तो अगली कैटेगरी देखिए, एंडिंग विद 1, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंडिंग विद 1 में कोई दिक्कत नहीं आएंगी, एंडिंग विद 1 भी ऐसे ही आप कवर कर लोगे और ऐसे ही निकाल सकते हो, बिल्कुल। देखिए एक छोटी सी बात बताइए कि आपने 13 को क्या लिखा था, 13 को आपने लिखा था 1 3 9 27, यही लिखा था आप 13 को क्या लिख के चले थे, 1 3 9 27, यही लिखा था ना, बिल्कुल। यहां देखिए 13 को आपने लिखा था 1 3 9 27, ये लिखा था, बट यहां पे आपको क्या करना है, अगर 13 को रिवर्स कर दे, 13 को अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो ये उल्टा होके क्या कर देगा, 13 उल्टा होके क्या कर देगा अपने आपको, 31 बना देगा। अगर 13 है और 13 को अगर उल्टा कर दें, हम इसको उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, 31, और 13 को अगर मैं 13927 लिखा था तो इसको अगर उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो निकलेगा 31 का क्यूब, कैसे, 27931, बस। और बाकी फिर वही स्टेप है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट एज इट इज, बीच वाले नंबर डबल, और ऐड करते टाइम में एक डिजिट नीचे और रिमेनिंग डिजिट कैरी फॉरवर्ड। तो देखते हैं, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, ऐड करते हैं तो 1 आपका एज इट इज आएगा, ये आ गया 1 एज इट इज, क्लियर।
सिक्स और थ्री नाइन, 18 और 9 27 का 7, 18 और 9 27 का 7 कैरी 2, और 27 और 2 29, दैट मींस क्यूब ऑफ 31 इज 297991। क्लियर, क्यूब कितना आया, आपने 13 को क्या लिखा था 13927, तो 13 का रिवर्स 31, तो अगर इसको रिवर्स कर दे तो क्या आएगा 27931, 27931 आया, तो 9 का डबल करा 18, 3 का डबल करा 6, 1 एज इट इज आया 603, 9, 18 और 9 27 का 7 कैरी 2, 27 और 2 29, तो क्यूब आया 31 का, 31 का आपको क्यूब मिल चुका है 29791। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है, बिल्कुल। देखिए समझ में आता जाए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिससे उनको भी पढ़ने का और समझने का चीजों को मौका मिले। तो अगला क्यूब लेके चलते हैं, एक और क्यूब लेते हैं 41। अब 41 आप बोलोगे सर 14 को उल्टा करें, बिल्कुल सही है, तो 14 को आपने क्या लिखा था, 14 को सर आपने लिखा था 1 4 16 64, 14 को आपने क्या लिखा था 1 4 16 64, तो उसको रिवर्स कर दो 64 16 4 और 1, 64 16 4 और 1, फिर क्या करेंगे बीच वाले नंबर डबल, ये हो गया डबल, और अब करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 एज इट इज, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, तो 32 और 16 48, 48 और 1 49 का 9 कैरी 4, 64 और 4 68, तो 68921 आपका क्यूब आ जाएगा 41 का, तो 41 का जो आपका क्यूब है वो आपको कितना मिला 68921। क्लियर, तो अब 13 के और 14 ये आप निकाल के चलेंगे स्टार्टिंग विद 1 और एंडिंग विद 1 के, और इसमें एक कैटेगरी और है वो हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, वो हम जरूर देखिए तरीके हम सारे लेके चलेंगे और सारी कैलकुलेशन जितनी बन सकती है, जितनी कैलकुलेशन अभी तक बनी होगी वो सब यहां पर आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, दबा के वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दो जितने भी भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके संग शेयर करिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करेक्ट आंसर कितने लोगों ने पिछले बार का दिया हुआ था, देखिए ये दिया हुआ है, ये सारे करेक्ट आंसर है आपके जो मैंने लास्ट टर्न पे वीडियो आपको शेयर करा था, उस वीडियो में लास्ट टर्न पे जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उसके करेक्ट आंसर ये, एक और करेक्ट आंसर दिया था ये, और ये भी आपके करेक्ट आंसर है होमवर्क के जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, और आज के जो होमवर्क के क्वेश्चन है उनका भी मेरे को इंतजार रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जिससे मैं कल की वीडियो में उनको दिखाता हूं, ठीक है। तब तक आगे का एपिसोड देखते रहिएगा, आगे का एपिसोड कल आपका आएगा, करना क्या है आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है सारे एपिसोड को, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक।